हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रतलामी जायका विद तलमास खान। आज हम आपको दो तरह की हरी चटनी बनाकर दिखाएंगे। एक हम सिंपल हरी चटनी बनाएंगे और दूसरी चटनी में हम पीनट्स ऐड करेंगे उसका टेस्ट और बेहतर करने के लिए। ये दोनों चटनियाँ बहुत इजीली बन जाती हैं, तो चलिए आज की रेसिपी हरी चटनी की हम स्टार्ट करते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए हमने हरा धनिया लिया हुआ है, हरी मिर्च है, दो नींबू का रस है, पीनट्स है, लहसुन की कलियां हैं, ज़ीरा है और नमक है। सबसे पहले हम सिंपल हरी चटनी बनाएंगे। हरी चटनी के लिए हम इंग्रेडिएंट्स जार में डालेंगे। ये हाफ हम धनिया इसमें डाल देते हैं, और ये हरी मिर्च आप लोग जितना खाना चाहें तेज़ उस हिसाब से आप हरी मिर्च डालना। हम इस हरी मिर्च के दो दो तीन तीन पीसेस करके डाल देते हैं। ऐसे ही ये लहसुन की कलियां हैं, 12-15 लहसुन की कलियां डाल देंगे। ये ज़ीरा पाउडर है, ये ज़ीरा है जो हम एक टीस्पून डालेंगे, एक टीस्पून हम नमक डालेंगे, और ये हमारे पास में लेमन जूस है, ये हम दो टीस्पून या इससे भी ज़्यादा खटास चाहते हो तो ये हमने तीन टीस्पून डाला है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी 1 टीस्पून या उससे भी थोड़ी सी कम शक्कर, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा, थोड़ा ही पानी डलेगा, और इसको हम अब ग्राइंड करेंगे। ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है और इसको हमने बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं बनाया है, थोड़ा सा दरदरा रखा है। दरदरा इसलिए रखा है ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है जब हम दरदरी चटनी पीसते हैं। तो ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही फ्रेश चटनी लग रही है। अगर आपको इस स्टेज पर नींबू और नमक कम लगे तो आप दोनों अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। अब हम सेकंड चटनी जो कि हम पीनट से बनाएंगे, उसके लिए हम ये सब इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। सबसे पहले हम ये हरा धनिया डालेंगे, और ये जार हमने वही वाला लिया है जिसमें हमने ये सिंपल ग्रीन चटनी बनाई थी, और इसमें भी ये हरी मिर्च हम काट के डाल देते हैं। और काट के हम इसलिए डालते हैं कि कई बार ये ग्राइंड नहीं हो पाती है। अब हम इसमें ये पीनट्स तकरीबन हाफ कप डालेंगे, और लहसुन की कलियां भी हम ये 10 से 12 लेंगे, ज़ीरा भी 1 टीस्पून डालेंगे, और ये हमारे पास नमक है ये भी 1 टीस्पून है। इसमें हम अदरक का एक पीस भी डालते हैं, हमारे पास पिसा हुआ अदरक है, इसमें आप साबुत अदरक का पीस भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास में अदरक का पेस्ट है जो कि हमने इसका वीडियो अपने चैनल पर डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ये 1 टीस्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट डाल रहे हैं, और ये लेमन जूस है, थोड़ा सा हम इसमें ये लेमन जूस भी डालेंगे, और इसमें हम ये 1/2 टीस्पून शक्कर ऐड करेंगे।
थोड़ा सा हम इसमें पानी भी डालेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी डाला है हमने। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये हमारी सेकंड चटनी जो कि पीनट की है, ये तैयार हो चुकी है और इसको भी हमने दरदरा ही पीसा है। इसको हम निकाल लेते हैं, प्लेट को हम साइड में करते हैं और ये पीनट चटनी को हम निकाल लेते हैं। ये पीनट चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसको ब्रेड पर सैंडविचेस बनाते हैं तब इसके ऊपर लगाकर खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके अंदर भी आप चाहें तो नमक और नींबू डाल सकते हैं अगर आपको कम लगे तो। ये देखिए, ये दोनों चटनियाँ हमारी कितनी आसानी से बनकर तैयार हो चुकी हैं और इसमें कोई टाइम भी नहीं लगा।